बॉलीवुड के पीके यानी आमिर खान 14 मार्च को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। आमिर ने कई हिट फिल्में दी जिनमें से कई ब्लॉकबस्टर भी रहीं। वहीं अगर उनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में झांका जाए तो वो भी छोटी नहीं है। आइए बात करते हैं उनकी कुछ ऐसी फिल्मों की जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उनकी पहली फ्लॉप फिल्म थी राख, जो उनकी हिट फिल्म कयामत से कयामत तक के बाद आई। उनकी फ्लॉप फिल्मों में कई और नाम भी शामिल है, वो है जवानी जिंदाबाद, दीवाना मुस्सा नहीं, अव्वल नंबर, परंपरा, इसी का नाम जिंदगी, आतंक ही आतंक जैसी कई फिल्में। आपको बता दें कि 2001 में आमिर ने अपने प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की थी और साथ ही उन्होंने अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म लगान को रिलीज किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके बाद आमिर ने 4 साल बाद 2005 में केतन मेहता की फिल्म मंगल पांडे से कमबैक किया और उसके बाद उन्होंने फना और रंग दे बसंती जैसी हिट फिल्में दी। इसके बाद जैसे हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। साल 2007 में आमिर ने फिल्म तारे जमीन पर की। इस फिल्म को आमिर ने ही डायरेक्ट किया था और साथ ही साथ अभिनय भी किया था। आमिर का निर्देशन क्षेत्र में ये पहला कदम था जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने सिर्फ फिल्म जगत में ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने शो सत्यमेव जयते से टेलीविजन जगत में भी नाम कमाया था। उस समय में सत्यमेव जयते काफी सफल हुआ था और मिस्टर परफेक्शनिस्ट की कई फिल्में ऐसी हैं जो 100 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई थी। इनमें पीके, सीक्रेट सुपरस्टार, धूम 3, दंगल जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी नाम कमाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, storyhow.in।